बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, शुक्रिया। रूसी सदर प्यूटन का कहना है कि मगरबी मुल्कों की मुदाखलत ना होती तो यूक्रेन की जंग 18 महीने पहले ही खत्म हो गई होती। रूसी सदर का कहना है कि रूस यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से जंग का खात्मा चाहता है, ताहम यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं आ रहा कि वह सुलह का ख्वाहिशमंद है। रूस और यूक्रेन के दरमियान दोस्तों लड़ाई बदस्तूर जारी है। यूक्रेन की जंग अपने तमाम तर वसी सियासी, फौजी, इकतसादी, समाजी और हत्ता के सकाफती नतज के साथ अब तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है और मगरबी ममालिक अब भी यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहे हैं। दर हकीकत दोस्तों यूक्रेन रूस जंग का तीसरा साल ऐसी सूरत में आन पहुंचा है कि जब उसके खात्मे का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पर यूक्रेन में जवाबी हमलों के आगाज़ के बाद से लड़ाई का तसलसल जंग के दोनों फरीक यानी रूस और यूक्रेन के लिए इंसानी जानों और फौजी साजो सामान के नुकसान में नुमाया इजाफे का बाइस बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो केस पर समाज शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि हमारा इख्तियार समाज बिल्कुल वाजह है, अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। सऊदी अरब रियाज जाने वाली सऊदी एयरलाइंस के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। भारतीय फिजाई हदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी। जनूबी कोरिया में डॉक्टर्स की हड़ताल, 6,000 डॉक्टर मुस्ताफी हो गए हैं। हुकूमत ने वार्निंग दी है कि एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस आ जाएं, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। अफगानिस्तान में मिट्टी के तोदे गिरने से 25 अफराद मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, ऐसा अफगानी हुकूमत का कहना है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि हज सीजन 2024 में चंदा जमा करने की सूरत में 7 साल कैद, 50 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाओं का सामना करने पड़ेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने फीफा से मुतालबा किया है कि इसराइली फुटबॉल का बाइकॉट किया जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट ने बैनुल अक्वामी फुटबॉल फेडरेशन फीफा और यूरोपीय फुटबॉल यूनियन यूफा से कहा है कि वो इसराइली फुटबॉल का बाइकॉट कर दें। यमन ने अमेरिका और बरतानिया को दुश्मन मुल्क करार दे दिया है। यमन ने अपने हुक्म के जरिए अमेरिका और बरतानिया को दोस्तों दो दुश्मन ममालिक करार दे दिया है। गजा पर सहूनी हमले पर ब्राज़ील ने इसराइल से अपना सफीर दोस्तों वापस बुला लिया है। ब्राज़ील ने ऐलान किया है कि इसराइल और ब्राज़ील के दरमियान सफारती कशीदगी के बाद मुल्क के सदर ने अपने सफीर को इसराइल से तलब कर लिया है। ईरान ने जोर देकर कहा है कि आलमी बरादरी को राफिया के अवाम के कत्लेआम की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ईरान ने अक्वामे मुत्तहिदा के नाम एक खत में सहूनी हुकूमत के हाथों राफिया के बशिंदों के कत्लेआम की बाबत खबरदार कर दिया है। कतर ने कहा है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जंगबंदी माहदे से राह फरार इख्तियार कर रहा है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि 8 हफ्तों तक शदीद जंग जारी रहेगी। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दोस्तों कहा है कि गजा में इसराइल की शदीद लड़ाई 8 हफ्तों तक जारी रहेगी। उर्दन ने कहा है कि इसराइल ना ही जंगबंदी और ना ही कैदियों का तबादला चाहता है। इसराइली हुकाम ने अपनी हट दरमाना पॉलिसियों से ये साबित कर दिया है कि वो जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। फलस्तीनी तहरीक हमास का कहना है कि वैश्याना सहूनी जारहियत के दौरान जंगबंदी की बात नहीं हो सकती।
ऐसी हालत में जब गजा पर वैश्याना सहूनी जारहियत जारी है और जारहाना हमलों में कोई कमी नहीं आई है, जंग बंदी की बात करना नाहला हासिल होगा। नाइजीरिया के जनूब मशरकी रियासत एम्बोनी में खतरनाक लासा बुखार से 10 अफराद की मौत हो गई। हुकूमत का कहना है कि 4 जनवरी से 16 फरवरी तक कम अज कम 25 अफराद लासा बुखार से मुतासिर हुए, जिनमें 2 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल थे। दोस्तों, याद रहे कि लासा बुखार एक ऐसी बीमारी है जो चूहों के जरिए आलूदा खाने या घरेलू अशिया के जरिए इंसानों में फैलती है। बताया जाता है कि ये बीमारी उस वक्त फैलती है जब चूहों का थूक या फुजला इंसानों के रबते में आता है। लासा बुखार का नाम नाइजीरिया के उस कस्बे के नाम पर रखा गया है जहां पहले केसेस सामने आए थे। लासा बुखार के तकरीबन 1 लाख से 3 लाख इन्फेक्शन सालाना होते हैं, जिनमें से तकरीबन 5,000 की मौत हो जाती है। किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च 2 रोज के लिए मौखर कर दिया है। हिंदुस्तान में किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 4थे दौर में कुछ बातों पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके बाद किसानों ने 2 रोज के लिए अपना मार्च रोक दिया है। पाकिस्तान में साइबर हमलों में 17% इजाफा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने साल भर में पाकिस्तान में 1,07,00,000 साइबर हमलों को रोका। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात मुश्किल में पड़ गए हैं। इंतखाबी नतायज और गैर यकीनी सूरतेहाल IMF से मुज़ाकरात को मज़ीद मुश्किल बना सकती है। बॉलीवुड के माजी के सुपरस्टार मथन चक्रवर्ती की मौत की झूठी खबरें वायरल हुई हैं। मथन चक्रवर्ती की मौत की खबरें बाद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैल गईं, जिनमें झूठा दावा किया गया है कि अदाकार फालिज का शिकार होकर चल बसे हैं। सेनेटर फैसल जवेद ने एक अनोखा दावा किया है कि इमरान खान मियां वाली से इलेक्शन लड़ेंगे और दोबारा वजीर आजम बनेंगे। इमरान खान इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान के वजीर आजम बहुत जल्द बन जाएंगे। अलेक्सी नवालनी की बेवा ने रूसी सदर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि सदर प्यूटन ने मेरे शोहर का कत्ल किया है। मशहूर रूसी अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नवालनी की बीवी ने रूस के सदर प्यूटन पर अपने शोहर को मारने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। हूसियों का बरतानवी जहाज़ और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा सामने आया है। अमेरिका और हूसियों के दरमियान मुसलसल जवाबी कार्रवाई की वजह से तनाज़े में इजाफा हो चुका है। साइफर और तोशाखाना केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ जो अपीलें की गई थी उन पर एतराज़ात उठाए गए हैं। वकला ने एतराज़ात दूर करने के लिए अपीलें वापस ले ली हैं। आज ही दोबारा दायर किए जाने का भी इम्कान है। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी शुरू हो चुकी है, मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की जानिब से तलब किए गए इजाफे की मंजूरी से सार्फीन पर 66 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ जाएगा। लाहौर कलंदर के खिलाफ क्वेटा की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले एमर्जिंग के क्रिकेटर ख्वाजा नाफे ने PSL की तारीख ही बदल कर रख दी। ख्वाजा नाफे ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। उन्होंने जारहाना इनिंग्स खेलते हुए महज 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।